YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिला लिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती के साथ शनिवार को साझा प्रेस वार्ता से पहले बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि एसपी और बीएसपी मिलकर लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएंगे और ये रिपोर्ट देखिए आप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल लोकसभा उपचुनाव में हम साथ आए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई। इस बार भी हमारा गणित सटीक बैठेगा और बीजेपी को अखिलेश शुक्रवार को कन्नौज में ई चौपाल में लोगों को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि शनिवार को लखनऊ में एसपी और बीएसपी की संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि हमारे साथ आने पर बीजेपी के साथ कांग्रेस के अंदर भी काफी डर है। बीएसपी के साथ गठबंधन पर उठ रहे सवालों के बीच अखिलेश ने कहा कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर रही बीजेपी इतनी मजबूत हुई है, अब हम भी गठबंधन कर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। चौपाल में सीबीआई पूछताछ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई का जो भी कुछ पूछना हो वो चुनाव के बाद पूछे। इस बार इस दौरान ये नारा देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा काम बोलता है, बीजेपी का धोखा बोलता है। इस बार एक ही नारा होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इनका धोखा बोलता है। भाजपाइयों का धोखा बोलता है। कोई 15 लाख तो नहीं इंतजार कर रहा है? क्यों सफेदो, तुम तो नहीं इंतजार कर रहे हो? इनके भी लोहियाबाद छिन गए, इनकी पेंशन भी छिन गई। वही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जैसा नेता किसी दल के पास नहीं है। गठबंधन को लेकर बनते समीकरणों पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि ये गठबंधन ढकोसला है। विपक्षी दलों के गठबंधन की पहल को ढकोसला करार देते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी गरीबों के कल्याण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रही है, जबकि विपक्षी दल केवल सत्ता के लिए साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विजय को शंका के बादलों में घेरने का प्रयास। गठबंधन गठबंधन गठबंधन, क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं, एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है, आज फिर से एक बार हराने का समय। शाह ने दावा किया कि बीजेपी अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में 73 से 74 सीटें जीतेगी। स्वच्छता, गंगा के पानी के शुद्धिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का जिक्र कर शाह ने बीजेपी सरकार की प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।